नमस्कार। आज हमारे सेशन में हमारे मित्र छत्रपाल साहू जी जुड़े हुए हैं और आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपनी जनता को जगाएं, कैसे उन्हें चंद्रगुप्त और सदस्य के शपथ के माध्यम से जो उनके ऊपर आज गुलामी छाई हुई है, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने निर्ममता के साथ, बदतमीजी के साथ, द्रोह के साथ अपनी ही देश की जनता के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अब ये समय आ गया है कि हम इन्हें उखाड़ फेंकें, क्योंकि कोई भी देश का अच्छा नेता अपने देशवासियों के ऊपर कभी गुलामों के नियम कानून नहीं थोपता है। और यदि इन दुष्ट राजनेताओं ने, जिन्होंने अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, देश के विभाजन में जानते हुए कि कत्लेआम होगा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, दुष्टता पूर्वक लॉर्ड माउंटबेटन को डायरेक्टर जनरल बनाया, दुष्टता पूर्वक फंडामेंटल राइट्स का लेफ्ट राइट एंड सेंटर उल्लंघन किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज किया, जहां संविधान ने हर भारतवासी को समान पैदा किया है और शासन पर प्रतिबंध लगाया है कि वो भारत के दो नागरिकों के बीच में कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें में भेदभाव किया। ये इतने दुष्ट हैं कि वर्सिप प्लेसेस एक्ट जैसा घटिया एक्ट इन्होंने लाया, जिसके सेक्शन 4 में भारतवासियों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। ये इतने दुष्ट हैं कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से बिना पार्लियामेंट ले जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया। ये इतने दुष्ट हैं कि जब जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो पार्लियामेंट ने ये नहीं पूछा कि ये कैसे जो है, किस रास्ते से जो है ना घुसा है, और वो रास्ता तो संवैधानिक ही नहीं है। लिहाजा कांग्रेस की हम भर्त्सना करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम भर्त्सना करते हैं, और एक दुष्ट कानून, एक दुष्ट आर्टिकल जो कि असंवैधानिक तरीके से संविधान में प्रवेश किया, उसे उसी असंवैधानिक रास्ते से वापस करते और देश की पार्लियामेंट उसे नल एंड वॉइड घोषित करती। लेकिन ये तो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। इन्होंने एक पार्टी तंत्र पैदा किया है, जिस पार्टी तंत्र में पार्टी व्हिप के माध्यम से हमारे जैसे ही, चाहे कचड़े ही रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, चाहे उन्होंने जनता का वोट मूर्ख बना के क्यों ना कबाड़ा हो, चाहे उन्होंने जनता का वोट फ्री भी बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट के क्यों ना खरीदा हो, चाहे उन्होंने छदम तरीके से पेड आम सभाएं करके, पेड सर्वे करके जनता में एक माहौल पैदा किया हो, लेकिन वह किसी भी तरीके से चुना हुआ व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं रख रहा है। आज इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे अपना बंधुआ मजदूर बना दिया है, पार्टी व्हिप से उसका गला रौंद दिया है। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हों। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनेता जिनका ये मानना है कि उनकी चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना जिनकी बापौती है,
और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती मानने वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, तुम मुझे मिस कॉल दो, मेरा नंबर सेव करो और मैं तुमको लिंक दूंगा, उससे आप जुड़ जाइए, सदस्य की शपथ लीजिए, सदस्य की शपथ का वीडियो बनाकर भेजिए और अपनी शपथ का पालन कर लीजिए, इतने मात्र से मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा, जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था जो अभी अंग्रेजों की 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी, वही जो है दुष्ट व्यवस्था पारदर्शी बना दी जाएगी, अकाउंटेबल बना दी जाएगी, संवेदनशील बना दी जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, यदि व्यवस्था में बैठे हुए ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही निर्णय सही समय पर नहीं लेंगे तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा। शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। क्राइम फ्री भारत की रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 2029 तक ऐसे गरीब परिवार जिनकी ना शिक्षा है ना हुनर है, उन्हें शिक्षा भी मिलेगी, हुनर भी मिलेगी, टूल्स भी मिलेंगे, संसाधन भी मिलेंगे, अच्छा ड्रेस भी मिलेगा, बर्ताव की ट्रेनिंग भी मिलेगी और कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी उस गरीब परिवार की इन अर्निंग जो है 1 लाख रुपीज पर मंथ होगी और हर चीज में 50% का रिबेट होगा, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख प्रति माह होगी। भारत से जनसंख्या का नियंत्रण किया जाएगा, नशा मुक्ति होगी, देश शाकाहारी बनेगा, बड़ी मात्रा में एक्वाकल्चर के माध्यम से प्रोटीन रिच प्लांट्स जो है ना और फ्रूट्स जो है ना पैदा किए जाएंगे, जो आपके भोजन में मिक्स करके आपको फाइबर रिच प्रोटीन रिच भोजन दिया जाएगा, जिसमें जड़ी बूटियां भी रहेंगी। भारत निरोगी और दीर्घायु होगा। भारत की बदली हुई शिक्षा व्यवस्था रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होगी, क्रिएटिविटी ओरिएंटेड होगी। भारत का हर बच्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अव्वल काम करेगा। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। ऐसे भारत को बनाने के लिए मिस्टर साव, जैसा मैंने आपको समझाया कि क्राइम फ्री भारत का सदस्य जो कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित है, जो कह रहा है कि मेरे सोच, मेरे चिंतन, मेरी पारिवारिक परिस्थितियां मुझे पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं देती हैं, मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने ही घर वालों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही पड़ोसियों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही युवा साथियों को, अपने ही वरिष्ठ नागरिकों को, अपने ही समाज सेवक संगठन जिससे मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको जोड़कर 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से 9 दिन में 90 लोगों को ऊर्जा कर संकल्पित कर जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर एक वीडियो देखूंगा और उस वीडियो को के माध्यम से अपने निराशा, हताशा, बेबसी, डिप्रेशन को दूर करते हुए एनर्जी को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। शपथ का तीसरा हिस्सा कहता है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ, सहमा हुआ, पर्दे के पीछे हूं, लेकिन हमारे ऐसे चंद्रगुप्त भाई जो लोगों के बीच में संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे, जिसे हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, मैं थाली बजाऊंगा, मैं दीपक जलाऊंगा और गगनवेदी उद्घोष के साथ उसे विजयी बनाऊंगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए अपने प्रयास से चंद्रगुप्त भी साबित होंगे और विधायक और सांसद को उन्हें टिकट भी उनके घर पहुंचेगा। बिना पैसे खर्च किए वह है
मात्र लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर यदि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर वन पे आ जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यदि राज्य स्तर पर नंबर वन पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्र स्तर पर दूसरे और तीसरे नंबर पर आने पर उप प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर दूसरे और तीसरे पे आने पर उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। ऐसा अद्भुत सिस्टम जिसमें महापरिवर्तन आपके दरबार में खड़ा होगा और आपको ना 5 पैसे खर्च करना होंगे, ना ही कोई अवैधानिक काम करना होगा, ना आपको धरना देना होगा, ना जुलूस निकालना होगा, ना पिटीशन देना होगी, ना कलेक्टर एसपी के पास जाना होगा, ना जंतर मंतर जाना होगा। ऐसे अद्भुत महापरिवर्तन आपका दरवाजा खटखटा रहा है। मिस्टर साव, आज दिन भर की क्या गतिविधि रही, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उसके बारे में सब